गाइस मैंने कल के मैच में ये जो था बैंगलोर वर्सेस मुंबई का, इसमें यहाँ पे एक बात कही थी आपको अनुज रावत विकेट कीपर के सेक्शन से। मैंने ड्रीम इलेवन की टीम बनाते हुए भी आपको बार बार कहा था कि आपके लिए एक आधा ऐसा खिलाड़ी होता है जो कम क्रेडिट में आएगा और बहुत अच्छा करवा देगा, वो अनुज रावत ने वो काम किया। और अगर आपने पिक किया होगा तो आप बहुत लकी रहे होंगे। खैर इस मैच में बात करता हूँ, सबसे पहले X20 में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किस मैच की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर का। आज का 10 अप्रैल का ये मुकाबला खेला जाने वाला है, ठीक है, दोनों ही टीमों के। इस मैच के बारे में बात करूँगा, फिर मैं दूसरा जो होगा वो लखनऊ सुपर जायंट वाला RR का दूसरा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं X20 में जो मेरे पावर सेल या बाय के ऑप्शन हो सकते हैं, वो सबसे पहला रसल जो पिछले मैच में भी था। इस बार रसल्स की तरफ से बात करूँगा, 38 के सेल में ये आपको ऑफर सेक्शन में मिल गया, तो अगेन आप क्लियरली इसे सेल कर देना, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं रहेगी। हाँ एक चीज़ रहेगी कि बाकी के बॉलर्स क्या अवेलेबल हैं, सेफ बॉलिंग जाती है कि डिफरेंट कहीं बॉलिंग कम ना कर दे, कहीं रसल और वेंकटेश से मिला के एक छठवें पाँचवें बॉलर का काम ना करें। अगर सेम जाते हैं तो तब तो आप सेल कर सकते हैं इसे, और स्पेशली तब अगर ये टीम आपकी बैटिंग फर्स्ट कर रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो स्पेशली तब। अच्छा यहाँ से बाकी दूसरा एक ऑप्शन बताऊँ आपको, तो श्रेयस अय्यर एक ऐसा ऑप्शन है जो मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट पे सेल होना चाहिए, लेकिन कल के लिए मेरा इस पे दांव रहेगा इसलिए मैं इसको सेल करने नहीं वाला हूँ। अब आता हूँ नीचे, उमेश यादव गाइज़ 32 रुपीज़, 28 रुपीज़। अगर ये सेल पे आपको मिल जाता है ऑफर सेक्शन में 32 रुपीज़ में, 100% में सेल करने जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रही है गाइस, जब भी ड्रीम इलेवन की मैं आपको टीम बताऊंगा उसमें मैंने पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में नहीं रखा है, वार्नर मैंने अपनी टीम में रखा है, पंत भी रखा है, लेकिन पृथ्वी शॉ नहीं है मेरी टीम में। पर मुझे लगता है कि वहाँ पे ये काम आ सकता है क्योंकि यादव लंबी गेंदें कराता है थोड़ा सा, जिसमें अगर बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है तो पृथ्वी शॉ जो है पुल करने की कोशिश करता है, पेस है इसके पास, स्विंग भी करा रहा है आजकल, तो टॉप एज लग के पृथ्वी शॉ की बॉल ऊपर खड़ी हो सकती है, कैच हो सकता है। और सेम यही जो है पैट कमिंस भी पृथ्वी शॉ को इस तरीके से आउट कर सकता है, तो मुझे केवल उसका डर है कि यादव को इस तरीके से विकेट मिल जाए, अदरवाइज मुझे यादव से फिर ज़्यादा डर नहीं है। तो उस हिसाब से आप यादव को सेल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर फैसला होगा। ये बॉलिंग ट्री बॉलिंग एक लॉजिकल एजेस जो बंदा क्रिकेट खेलता है वो चीज़ समझ पा रहा होगा। बाकी चलो मैं यहाँ पे आता हूँ आपके सामने लाइनअप के साथ। चलिए जी ओके, अभी तक की बात करूँ, ये मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा आपका ब्रबन स्टेडियम में। देखिए ब्रबन सारे स्टेडियम जो हैं इनमें से ब्रबन वानखेड़े इनको मैं थोड़ा सिमिलर रखूंगा, पुणे में थोड़ी ड्यू कम गिरती है और DY पाटिल जो है चौड़ा ग्राउंड है। ब्रबन की बाउंड्रीज छोटी हैं, बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, आप देखना है बीच वाली पिच पर खिला रहे हैं कि साइड वाली पिच पर किस पर खिला रहे हैं। दूसरी बात, ब्रबन वो ग्राउंड है जहाँ पर ड्यू का फैक्टर ज़्यादा रहता है, ठीक है। वैसे आजकल इस IPL में पिछले 2-3 दिनों से स्प्रे का यूज़ किया जा रहा है जिससे ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन पुणे और DY पाटिल में इतनी ड्यू नहीं पड़ेगी जितनी कि आपको ब्रबन में देखने के लिए मिल जाएगी, और फिर वानखेड़े में भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से ब्रबन में ही ड्यू देखने के लिए मिलती है। तो सेकेंड इनिंग में ड्यू का फैक्टर रहेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये मैच तो दोपहर का है, अब ये चीज़ अलाउ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या देखते हैं, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, सरफराज, ऋषभ पंत और रोमन पॉल। अब आप बोलेंगे बैटिंग ऑर्डर बताओ पहले तो क्या है, देखो लास्ट मैच जो हुआ था तीन नंबर पे सरफराज नहीं खेला था, 3 पे रोमन पॉल खेला था। क्यों खेला था मैं बता देता हूँ, पहले जो ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप थी वो 65 रन 66 67 ऐसी कुछ हो गई थी, जिसमें से अकेले 61 जो है पृथ्वी शॉ के थे और 3 रन के आसपास 3 या 4 डेविड वार्नर ने बनाए थे जितने बनाए थे, और अकेले 65 प्लस हो चुका था टीम का स्कोर। बड़ी बात थी तो कि 90% रन एक ही खिलाड़ी ने बना दिए। खैर अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपको इतना तगड़ा स्टार्ट मिल गया पावर प्ले में, आप जब 10 के रन रेट से आप रन बना दिए, तब उन्होंने क्या किया, रोमन पॉवल एक हार्ड हिटर को ऊपर बैटिंग करने भेजा, जिससे कि आपका लेफ्टी राइटी यानी कि डेविड वार्नर और रोमन पॉवल लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी मेंटेन रहे और एक हार्ड हिटर चला जाए, एक नॉक लंबी पारी खेल के दे दे, ताबड़तोड़ पारी खेल के रन रेट बूस्ट करके रखे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वार्नर आउट हुआ, रोमन पॉवल आउट, रोमन पॉवल भी आउट हो गया, फिर पार्टनरशिप आई आपकी ऋषभ पंत और सरफराज की जिन्होंने एंड में ख़त्म किया 148/3, जो कि काफ़ी कम स्कोर था अगर आपने सिर्फ 3 विकेट खोए। लेकिन अब बैटिंग ऑर्डर की जहाँ पे बात आती है, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे 3 खिलाड़ी ये रखे हैं सरफराज, ऋषभ और रोमन, तो मैं एक नाम लेना है तो मैं सीधा लूँगा ऋषभ पंत का। क्यों? क्योंकि सरफराज जो है वो आपको इतना अच्छा बैट्समैन, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, सरफराज आपको अल्टीपल्टी खेलने के लिए देखने मिल जाता है। जितना मैं जानता हूँ, देखो सरफराज को जब मैंने पहली बार खेलते हुए देखा था तो बैंगलोर के लिए खेल रहा था आई थिंक, और इसने 40 के अराउंड समथिंग रन बना दिए थे, लेकिन स्कूप मारेगा, रिवर्स स्वीप मारेगा, ऐसे शॉट्स बनाता है। और जब नई गेंद होती है, लंबी गेंदें कराई जाती है फास्ट बॉलर पर, तब आप ये शॉट नहीं खेल सकते क्योंकि ये टॉप ऑर्डर है। मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर आ जाए या डेथ ओवर आ जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता सरफराज को 3 नंबर में भेजना चाहिए टीम,
दूसरा रोमन पॉल 3 नंबर का बैट्समैन नहीं है, ये तो हम जान चुके हैं। या तो रोमन पॉल को बाहर कीजिए या तो फिर 5 नंबर या 4 नंबर, इससे ऊपर नहीं खेलना चाहिए। तो अब बचता कौन है? ऋषभ पंत बिल्कुल 3 नंबर पर खेल सकता है, कोई डाउटेड वाली बात नहीं। और स्पेशली तब अगर डेविड वॉर्नर का पहला विकेट गिरता है तो लेफ्टी राइटी का बैलेंस बनाने के लिए भी ऋषभ पंत ऊपर आ सकता है, आएगा ही। वैसे ऋषभ पंत को ही आना है 3 नंबर पर। 4 पे आपका सरफराज है, 5 पे रोमन पॉल है, 6 पे ललित यादव, 7 पे अक्षर पटेल। अब यहाँ से देखिए बॉलिंग यूनिट से बात कर लेता हूँ। तो इस मैच में आपका टीम में एक ऑप्शन अवेलेबल है, लुंगी एनडीगीडी जो है इस मैच में स्क्वाड में आ चुका है, क्वारंटीन पूरा हो गया, ये स्क्वाड में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। बट किसकी जगह खिलाओगे आप ये भी देखना पड़ेगा। ओवरसीज़ की जगह तो है नहीं, क्योंकि वॉर्नर तो खेलेगा और नोकिया भी खेलेगा। नोकिया पिछले मैच में 4 ओवर पूरे नहीं करवा पाया था, क्योंकि दो लगातार नहीं, मतलब एक के बाद अगले ओवर में एक और नो बॉल डाल दी थी ना, 2 नो बॉल डाल दी थी हाइट की, तो इसे बाहर कर दिया था। फिर बाकी के बचे ओवर शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर ने पूरे कर लिए थे। तो मुस्तफिजुर भी अच्छा बॉलर, नोकिया भी, तो मुझे लगता है नीडी जगह फिलहाल बनती है इस टीम में। पर जो भी है, यहाँ से देखिए ललित यादव एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि कितनी बॉलिंग करेगा वो डिपेंड करता है कि वेंकटेश अय्यर आपका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कितनी देर तक क्रीज पे खेलता है, वो एक चीज़ डिपेंड करती है। दूसरा अक्षर पटेल कितने ओवर करता है, ये भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। लेफ्टी है तो फिर ललित यादव को ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी, राइटी है तो फिर अक्षर पटेल को ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी। उसके बाद आपके मैंने यहाँ पर लिखा है कि डेथ ओवर में देखिए शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में डेथ ओवर किया, नोकिया डेथ ओवर करता है, हालांकि पिछले मैच में नो बॉल के कारण ये नहीं कर पाया था 4 ओवर का स्पेल अपना पूरा, और फिर भी डेथ ओवर करता है। तो आखिरी के 5 में से 4 या 5 ओवर इन तीनों के ही होंगे, बाकी कुलदीप यादव 15वां या फिर 16वें ओवर तक अपना स्पेल खत्म करेगा। पावर प्ले में कौन करेगा? आप में अक्षर पटेल करेगा? जी नहीं, जब तक वेंकटेश अय्यर खेल रहा है, अगर शुरू के 3-4 ओवर में अक्षर पटेल से बॉलिंग नहीं करवाएंगे, इनके जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे मुस्तफिजुर और शार्दुल ठाकुर मोस्ट लाइकली पावर प्ले में। उसके बाद फॉलो करेंगे इनको एंडिक नोकिया, और पावर प्ले खत्म होते ही फिर कुलदीप यादव। अच्छा, इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है? मैं डेविड वॉर्नर के साथ इस मैच में जरूर जाऊंगा। नीचे से गाइस मल्टीपल ऑप्शन है बॉलिंग में, किसको चुनना है आपके पास? वैसे तो मैं अक्षर पटेल को चुनना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, शार्दुल ठाकुर मिल रहे, इसलिए बॉलिंग यूनिट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अब आता हूँ मैं अपनी केकेआर की टीम के ऊपर। देखिए अब यहाँ से छोटा कर देते हैं इसे, ठीक है, मुझे चेंजेस के चांसेस नहीं दिख रहे। पैट कमिंस ने पिछले मैच में तगड़ी की इनिंग खेली थी, ओपनिंग ऑर्डर में मुझे इस मैच में रहने को लेना है इनकी टीम में। हाँ, एक और बात, अरन फिंच है अवेलेबल है अब सिलेक्शन के लिए, अगर टीम लाना चाहती है तो ला सकती है, बट क्या करना पड़ेगा अगर एरन फिंच को लाना है? तो सैम बिलिंग्स की जगह आपको एरन फिंच को लाना पड़ेगा नंबर 1, और दूसरा इंडियन प्लेयर इजिंक्य रहाणे की जगह आपको इंडियन प्लेयर लेके आना पड़ेगा शेल्डन जैक्सन, जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकेगा। अब ऐसे में क्या करेंगे? एरन फिंच को तो ऊपर खिला लेंगे ओपनिंग करने के लिए इजिंक्य रहाणे की जगह, और सैम बिलिंग्स की जगह आप विकेट कीपिंग करा लेंगे शेल्डन जैक्सन से, क्योंकि अब आपके पास ऐसा नहीं है कि फिर आप ये सोचें कि यार सैम बिलिंग्स बीच में एक अच्छा बैट्समैन था ओवरसीज़ वो चला गया, शेल्डन जैक्सन को कैसे खिलाएं? नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? एक तो आपकी ऊपर से बैटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर यहाँ पे फिंच आ जाता है, दूसरा अब आपके पैट कमिंस भी तगड़े ऑलराउंडर की तरह खेल रहा है, उसके बाद नारायण है वो भी रन बना लेता है, तो आपके नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। तो मुझे नहीं लगता इनकी बैटिंग में कमी दिख रही है। हाँ, जरूर कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे नीतीश राणा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद खुद श्रेयस अय्यर भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक चेंज बनता है, रहाणे को बाहर करके आप फिंच को लाइए, और सैम बिलिंग्स को बाहर करके शेल्डन जैक्सन को अपनी टीम में खिला सकते हैं। अब आता हूँ मैं यहाँ पर ड्रीम टीम के ऊपर। ओके, विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे पहले स्टार्टिंग करो तो ऋषभ पंत और सैम बिलिंग्स फिलहाल के लिए, अगर चेंजेस नहीं होते तो लिया है, चेंज होंगे तो हम बिल्कुल चेंज करेंगे। बैटिंग यूनिट से देखिए, मैंने पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में फिलहाल नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है वही उमेश यादव वाला फैक्टर जो मैंने आपको बताया, हो सकता है कि वो जो जिस तरीके की बॉलिंग उमेश यादव और पैट कमिंस करते हैं वहाँ पृथ्वी शॉ अपनी बॉल खड़ी कर सकता है, या फिर पैड लाइन पर LBW बोल्ड ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने इसे नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ से नीतीश राणा नीचे खेल रहा है, अजिंक्य रहाणे फिलहाल रखा है, फिंच खेलता है तो फिंच के साथ जाऊँगा, नहीं तो नीतीश राणा के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर से पैट कमिंस और ललित यादव रखें। अब ललित यादव क्यों रखा है? क्योंकि देखो नंबर 6 पर मुझे बैटिंग करके दे देगा, और दूसरा जो है इसे 4 ओवर करें पिछले मैच में, ठीक है, अगर ओवर करता है इतने कंटिन्यूसली, क्योंकि स्पिन को यूज़ कर रही है दिल्ली की टीम, अगर करता है तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद एक और बात, मैंने स्पिनर में ललित यादव रखा है, क्योंकि मेरे पास स्पिन में यहाँ पे कुलदीप यादव नहीं है। ये देखिए मैंने 2 फास्ट बॉलर रखे हैं, शार्दुल ठाकुर और दूसरा एंड्रिक नोकिया। यहाँ से मैंने सुरेंद्र नारायण वरुण चक्रवर्ती को रखा है, और मेरा 3रा बॉलर जो है वो है पैट कमिंस। अच्छा है, टीम का प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही मैंने अपने ललित यादव को इस टीम में रखा, अगर आप ललित यादव को रख रहे हैं तो सिर्फ बॉलर समझ के मत रखिएगा, ऑलराउंडर समझ के रखिएगा, और ऑलराउंडर ऐसा जो बैटिंग के पॉइंट भी देगा आपको। देखिए अगर ललित यादव की बैटिंग आती है और उसको एज ऑलराउंडर देख रहे हो, तो कम से कम उसकी बैटिंग 15वें ओवर तक आ जानी चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ, वरना तो इससे पहले आ जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है
तो याद रखना अपनी टीम में किसी भी हालत में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इन दोनों को जरूर रख लेना, या तो कम से कम किसी एक को इन दोनों में से जरूर होना चाहिए आपकी टीम में। क्या बोला मैंने, अगर हमने ललित यादव लिया है तो कम से कम वरुण चक्रवर्ती या फिर सुनील नारायण में से एक आपकी टीम में या दोनों के दोनों वैसे तो होने ही होने चाहिए, अगर आप इसे एज अ ऑलराउंडर देख रहे हैं, बैटिंग में इसके पॉइंट भी देख रहे हैं। अगर आपने इसका मतलब कुल मिला के ये, अगर आपने ऊपर से या तो दो ही बैट्समैन लिए या तो एक ही बैट्समैन लिया दिल्ली कैपिटल का और उसके बाद दूसरा या तीसरा बैट्समैन आपका ललित यादव है, तो आपको स्पिनर ये दोनों रखने ही रखने हैं। अभी इसमें समझाने का मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ ये होगा, होना ही होना चाहिए। इस वीडियो में इतना, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, डिपेंड करेगी टॉस के बाद प्लेइंग 11 क्या रहती है, ठीक है। और इसके इस ये टीम एक बात और, ये टीम इस पर भी डिसाइड नहीं है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, ये प्लेयर्स पे डिसाइड है। टॉस के बाद मेरे चेंजेस हो सकते हैं इस मैच में, ये डिसाइड होगा बाद में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू।